नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं कायनात इंडस्ट्री के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी साउथ इंडस्ट्री के बारे में, जहाँ की हीरोइनें बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं। तो चलिए आज बताएंगे आखिरकार इन ब्यूटीफुल हीरोइनों का एक फिल्म का चार्ज। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जितने भी खूबसूरत हीरोइनें हैं साउथ इंडस्ट्री की, ये एक फिल्म का कितना रुपया लेती हैं। आज मैं आप लोग को बताऊँ लगभग 12 से 13 हीरोइन के बारे में, और अगर किसी और का जिसका छूट जाए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना उनका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जिस हीरोइन के बारे में बात करूंगा फ्रेंड्स, इनका नाम है राशि खन्ना। जी फ्रेंड्स, इनका नाम राशि खन्ना है और आई होप आप लोग इनको जानते होंगे, क्योंकि इनका आप लोग बहुत सारा साउथ फिल्म देखे होंगे और इनका आई होप मेरे साथ आप लोग भी फैन होंगे। तो अगर इनकी एक फिल्म की बात की जाए फ्रेंड्स, तो ये एक फिल्म का 40 लाख रुपए लेती हैं। जी फ्रेंड्स, राशि खन्ना एक फिल्म का 40 लाख रुपए लेती हैं। इस बार जिस हीरोइन के बारे में बात करूंगा, इनका नाम है अनुपमा परमेश्वरम। जी हाँ फ्रेंड्स, आई होप आप लोग इनको भी जानते होंगे, क्योंकि इनका भी बहुत ही सारा फिल्म वायरल होते रहता है और ये फिल्म में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती हैं। जी फ्रेंड्स, अगर इनकी एक फिल्म की चार्ज की बात की जाए तो ये 40 से 60 लाख रुपये लेती हैं एक फिल्म करने का। जी फ्रेंड्स, अनुपमा परमेश्वरम एक फिल्म का 40 से 60 लाख रुपये लेती हैं। इस बार जिस हीरोइन के बारे में बात करूंगा, इनका नाम है हंसिका मोटवानी और आप लोग इनको भी जानते होंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और इनका एक फिल्म का चार्ज है 65 लाख रुपए। अब बात करेंगे आप लोगों के सामने नित्या मेनन के बारे में, और आज कतई जहर लग रही है नित्या मेनन। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे एक मजाक था। अगर नित्या मेनन के बारे में बात की जाए फ्रेंड्स, तो ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, और इनकी एक फिल्म की अगर चार्ज की बात की जाए तो 90 लाख रुपये। जी फ्रेंड्स, यानी 90 लाख रुपये। जी हाँ फ्रेंड्स, 19 लाख यानी 90 लाख रुपये इनका एक फिल्म का चार्ज है। अब बात करें फ्रेंड्स तमन्ना भाटिया के बारे में, ये साउथ के साथ साथ बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं और इनका भी एक फिल्म का चार्ज 90 लाख रुपए है। जी हाँ फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत सारा साउथ फिल्म करा है और अब हिंदी फिल्मों में भी ये काम करने लगे और इनका एक फिल्म का जो चार्ज है वो 90 लाख रुपए है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स आप लोगों के सामने श्रुति हसन के बारे में। अगर श्रुति हसन की बात की जाए तो आप लोग तो इनको बिल्कुल जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत सारी बॉलीवुड फिल्में भी कर चुके हैं, बहुत सारे साउथ फिल्में भी कर चुके हैं। अगर इनकी एक फिल्म की बात की जाए तो 1 करोड़ रुपए लेती हैं। जी फ्रेंड्स, श्रुति हसन एक फिल्म करने का 1 करोड़ रुपए लेती हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के सामने राकुल प्रीत सिंह के बारे में। अगर राकुल प्रीत सिंह की बात की जाए तो साउथ इंडस्ट्री में तो ये फेमस हो चुके हैं, साथ में बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं अभी इस वक्त राकुल प्रीत सिंह। अगर इनके बारे में बात की जाए फ्रेंड्स, तो राकुल प्रीत सिंह एक फिल्म का 1 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं। इस बार बात करेंगे साउथ इंडस्ट्री की बहुत ही ज़्यादा फेमस हीरोइन, जिनका नाम है त्रिशा कृष्णा। अगर इनकी एक फिल्म की बात की जाए तो ये एक फिल्म का 1 करोड़ रुपये लेती हैं। जी फ्रेंड, त्रिशा कृष्णा एक फिल्म का 1 करोड़ रुपये लेती हैं। अब बात करेंगे आप लोगों के सामने नयनतारा के बारे में। ये भी बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं साउथ इंडस्ट्री में, और इनका जो एक फिल्म का चार्ज है 1 करोड़ रुपए, यानी ये एक फिल्म करने का 1 करोड़ रुपए लेती हैं। एक बार फिर बात करेंगे कतई जहर लगने वाले हीरोइन, यानी बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हीरोइन के बारे में, जिनका नाम है कृति सुरेश, और इनके एक फिल्म की अगर चार्ज की बात की जाए तो 1.5 करोड़। जी फ्रेंड, 1.5 करोड़ रुपए लेती हैं एक फिल्म का, यानी 1.5 करोड़ रुपए लेती हैं ये फिल्म, एक फिल्म करने का चार्ज करती हैं, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हीरोइन है फ्रेंड्स, और साथ में बहुत ही बढ़िया एक्टिंग भी करती हैं कृति सुरेश। अब बात करें फ्रेंड्स साउथ की बहुत 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 ज़्यादा, साथ में बॉलीवुड की भी बहुत बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, काजल अग्रवाल यानी फेमस हीरोइन, जिनका नाम है काजल अग्रवाल, और अगर इनकी एक फिल्म के चार्ज की बात की जाए तो एक फिल्म का ये 2 करोड़ रुपए लेती हैं। जी फ्रेंड्स, काजल अग्रवाल के बारे में अगर बात की जाए तो एक फिल्म करने का ये 2 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। अब बात करेंगे फ्रेंड्स समांथा के बारे में, और ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, आप लोग इनको भी जानते होंगे फ्रेंड्स, बहुत 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 ज़्यादा पॉपुलर हैं साउथ इंडस्ट्री में, और अगर इनकी एक फिल्म की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो एक फिल्म करने का ये 2 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं, और एक फिल्म करने का 2 करोड़ रुपए लेती हैं, और साथ में बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करती हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हैं समांथा, और इनका एक्टिंग भी बहुत बढ़िया रहता है। अब बात करेंगे आप लोगों के सामने साउथ की सबसे हिट, सबसे ज़्यादा फेमस हीरोइन, जिनका नाम है अनुष्का शेट्टी, और जो सबसे ज़्यादा चार्ज भी लेती हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत 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 ज़्यादा। इनका जो फिल्म था बाहुबली काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था, साथ में इनका रुद्रमा देवी जो फिल्म था वो भी काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था। इसके साथ इन्होंने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फिल्म करी और इनका सारा फिल्म हिट होता है फ्रेंड्स, और अगर इनकी एक फिल्म की अगर चार्ज की बात की जाए तो 4 करोड़ रुपये लेते हैं। जी फ्रेंड्स, 4 करोड़ रुपये ये एक फिल्म करने का लेती हैं, और इनका सारा फिल्म ब्लॉकबस्टर होता है, और साउथ इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक्ट्रेस हैं अनुष्का शेट्टी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग और कोई हीरोइन के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को साउथ इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हीरोइन कौन लगती है, जो लिस्ट मैंने आप लोगों को दिखाया फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बस इतना है, फिर मिलेंगे आप लोगों से दूसरे वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।